नमस्कार, मैं हूं दिव्या बिहारी, न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 18 अक्टूबर, दिन शुक्रवार। खबरों के बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सरकारी भूमि पर लेकर चिंतित हुई सरकार। सरकारी भूमि पर रैयतों के दावा करने का सता रहा है डर। विभाग ने सरकारी भूमि की सूची तैयार करने के दिए निर्देश। बिहार के बीटेक कॉलेजों में आईआईटी पटना के पढ़ाएंगे शिक्षक। सरकारी बीटेक और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में शिक्षा स्तर में होगा सुधार। ईआरपी के जरिए शिक्षकों और छात्रों की दर्ज होगी उपस्थिति। नाबालिगों को ई रिक्शा चलाते देख विभाग की खुली नींद। अब पकड़े जाने पर होगी कार्रवाई। बच्चों को वाहन न चलाने की विभाग ने की अपील। कई जिलों में दो बार आई बाढ़ ने मचाई तबाही। सरकार ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हुए नुकसान की मांग रिपोर्ट। इन क्षेत्रों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम है मुस्तैद। मजदूरों का काम लटका कर रखने वाले पर होगी कार्रवाई। 40 लाख मजदूरों का रजिस्ट्रेशन करने का मिला लक्ष्य। श्रम संसाधन मंत्री ने विभाग को दिए निर्देश। अब 120 दिन पहले नहीं होगी टिकट की बुकिंग। 60 दिन पहले टिकट बुकिंग की मिलेगी अनुमति। रेल मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन। न्यूजीलैंड ने बेंगलोर टेस्ट का दूसरा दिन किया अपने नाम। भारतीय टीम 46 रन पर हुई ढेर। न्यूजीलैंड को 134 रन पर मिली बढ़त। चलिए बढ़ते हैं दिनभर की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। गुजरात लोक सेवा आयोग द्वारा असिस्टेंट इंस्पेक्टर मोटर व्हीकल के लिए भर्ती निकाली गई है। ये भर्ती कुल 153 पदों पर है। इस भर्ती के लिए आवेदन शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 30 अक्टूबर है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट gpscojas.gujarat.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को जरूरी है कि उन्होंने मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या ग्रेजुएशन किया हो। उम्मीदवारों की आयु सीमा 19 से 35 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। बिहार सरकार 21 अक्टूबर से जमीन की खरीद फरोख्त को आसान बनाने के लिए ई निबंधन सुविधा शुरू करने जा रही है, जो 15 जिलों के 16 रजिस्ट्री ऑफिस में लागू होगी। इस व्यवस्था से लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और रजिस्ट्री के लिए तारीख चुन सकते हैं। अब क्रेता विक्रेता और गवाहों को केवल रजिस्ट्री के दिन ही ऑफिस आना होगा, जिससे समय की बचत होगी और भीड़ कम होगी। इस व्यवस्था का ट्रायल सफल रहा है, जिसके बाद इसे अन्य जिलों में भी लागू करने का निर्णय लिया गया। ई निबंधन से प्रक्रिया सरल होगी और समय व पैसे की बचत होगी और सरकारी कार्य में पारदर्शिता आएगी, जिससे भ्रष्टाचार में कमी होगी। कई बार सोशल मीडिया पर आपने प्रदेश के सरकारी स्कूलों की व्यवस्था या शिक्षकों के अधूरे ज्ञान या किसी तरह की लापरवाही आदि की तस्वीरें या वीडियो और पोस्ट देखे होंगे। इसमें अक्सर देखा जाता है कि YouTube चैनल के नाम पर कोई भी स्कूल के क्लास में घुस आता है और बच्चों या शिक्षकों से सवाल करना शुरू कर देता है। लेकिन अब इस पर शिक्षा विभाग सख्त हो गया है। शिक्षा विभाग के निदेशक प्रशासन ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को इस संबंध में पत्र जारी किए हैं, जिसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि सरकारी विद्यालय में किसी भी व्यक्ति का माइक लेकर अनाधिकृत प्रवेश वर्जित है। विभाग ने यह आदेश विद्यालय और शिक्षकों व बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जारी किया है। साथ ही शिक्षा व्यवस्था में आ रही बाधा को देखते हुए भी ये निर्णय लिया गया है। उक्त आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि स्कूल में केवल प्रधानाध्यापक ही प्रेस ब्रीफिंग के लिए अधिकृत होंगे, अन्य कोई शिक्षक प्रेस को ब्रीफ नहीं करेंगे। भारतीय रेलवे ने ट्रेन टिकट बुकिंग के नियमों में बदलाव किया। अब यात्रियों को 120 दिन की बजाय केवल 60 दिन पहले टिकट बुक कराने की अनुमति होगी। रेलवे मंत्रालय ने यह जानकारी एक नोटिफिकेशन के जरिए दी है और ये नया नियम 1 नवंबर से लागू होगा। नए नियम के अनुसार एडवांस रिजर्वेशन पीरियड यानी ARP को घटाकर 2 महीने कर दिया गया है। हालांकि ये परिवर्तन विदेशी यात्रियों के लिए नहीं होगा और जिन ट्रेनों का ARP पहले से कम है, जैसे गोमती एक्सप्रेस और ताज एक्सप्रेस पर भी इसका असर नहीं पड़ेगा। इस बदलाव से यात्रियों को टिकट बुक करने में आसानी होगी और उन्हें अधिक समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
बिहार पुलिस ने नए अपराधों पर लगाम लगाने के लिए एक नई पहल शुरू की है। अब थानेदार हर 15 दिन में जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे, जहां अपराध और अपराधियों के बारे में चर्चा होगी। इस बैठक के आधार पर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। पुलिस मुख्यालय ने जिलों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। नए कानून के तहत छापेमारी के दौरान जनप्रतिनिधियों को गवाह के रूप में बुलाने का प्रावधान है, जिससे कार्रवाई पारदर्शी बनेगी। छापेमारी के समय अगर स्थानीय लोग गवाह बनने से मना करते हैं तो पुलिस अधिकारी जनप्रतिनिधियों को सूचना देंगे, फिर इनकी मौजूदगी में कार्रवाई की जाएगी। इससे अपराध नियंत्रण में जनप्रतिनिधियों की अहम भूमिका होगी, खासकर मादक पदार्थों और हथियारों की जब्ती में। बिहार में भूमि सर्वे कार्य जारी है, लेकिन रैयतों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सरकारी भूमि को लेकर सरकार भी चिंतित है, क्योंकि सरकार को डर है कि ब्यौरा नहीं होने पर कई रैयत सरकारी भूमि का खतियान अपने नाम न करवा ले। अब इसी को देखते हुए ई राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सभी जिलों के समाहर्ता डीएम को पत्र लिखा है। उन्होंने सभी विभागों में नोडल पदाधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं, ताकि सरकारी भूमि की सूची तैयार की जा सके। ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि सरकारी भूमि का ब्यौरा मौजूद रहे, अन्यथा रैयत स्वामित्व का दावा कर सकते हैं। पहले भी भू अभिलेख निदेशालय ने इसी विषय पर निर्देश जारी किया था, जिससे सरकारी हितों की रक्षा की जा सके। बिहार में शराबबंदी के बावजूद लगातार शराब तस्करी की खबर सामने आती रहती है। अब इसी कड़ी में एक बार फिर से जहरीली शराब के कारण कई लोगों की जान जाने की खबर सामने आई थी। मामला सिवान और सारण का है। इसकी पुष्टि खुद डीजीपी आलोक राज ने की। उन्होंने कहा कि जहरीली शराब पीने से अब तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 20 लोग सिवान और 5 लोग सारण से थे। सीएम नीतीश भी इस खबर के सामने आते ही खुद एक्शन में आ गए हैं, और दोनों जिलों में हुए इस जहरीली शराब कांड की उच्च स्तरीय समीक्षा हुई है। साथ ही अधिकारियों को जल्द से जल्द कार्रवाई करने की बात कही गई है। इस मामले के सामने आते ही पुलिस अलर्ट मोड में आ चुकी है। फिलहाल कई पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचकर स्थानीय लोगों से पूछताछ कर रहे हैं, और कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। वहीं इस मामले को लेकर डीजीपी आलोक राज ने कहा है कि ऐसे लोगों के विरुद्ध गंभीर और सख्त कार्रवाई करें। इस घटना के बाद 9 से 10 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, जिसमें कुछ नाम ऐसे शराब माफियाओं के सामने आए हैं, जिस पर अग्रतर कार्रवाई जारी है। बिहार के सरकारी इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों के छात्रों के लिए अच्छी खबर है। अब इन कॉलेजों में छात्रों को आईआईटी पटना के शिक्षक पढ़ाएंगे, ताकि इनके शिक्षा के स्तर में और सुधार हो सके। विज्ञान, प्रावैधिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग ने इस योजना पर सहमति बनाई है, जिसमें प्लेसमेंट और इंटर्नशिप के अवसरों को बेहतर बनाया जाएगा। विशेष प्लेसमेंट अभियान के तहत बड़ी कंपनियों के साथ MOU किया जाएगा। छात्रों के लिए प्लेसमेंट सेल का गठन किया गया है, जिससे उन्हें सीधे उद्योगों से संपर्क करने का मौका मिलेगा। शिक्षकों के लिए आवासीय व्यवस्था बनाई जाएगी, जिससे छात्र शिक्षक संवाद में सुधार होगा। इसके अलावा ERP पोर्टल के माध्यम से छात्रों और शिक्षकों की उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज की जाएगी, जिससे पढ़ाई की गुणवत्ता पर नजर रखी जा सके। बिहार पैटर्न में आज हम बात करेंगे मीर कासिम के गुफा के बारे में। ये गुफा बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है, जो करीब 250 साल पुराना है। ये गुफा अपने अंदर कई रहस्यों को समेटे हुए है। इस गुफा में जाने का रास्ता तो है, लेकिन निकलना कैसे है ये कोई नहीं जानता। गुफा का निर्माण नवाब मीर कासिम ने अंग्रेजों से खुद को सुरक्षित रखने के लिए करवाया था। रखरखाव के अभाव में इसकी इमारतें आज भले ही जर्जर हो गई हों, लेकिन ये कई ऐतिहासिक कहानियों को अपने अंदर समेटे हुए है। यदि आप ऐतिहासिक स्थलों पर घूमने का शौक रखते हैं तो यहां आ सकते हैं। डेंगू के मरीजों के लिए प्लेटलेट्स की उपलब्धता से संबंधित जरूरी सूचना जारी की गई है। मरीजों में प्लेटलेट्स की संख्या 10,000 से कम होने या रक्तस्राव के लक्षण दिखने जैसी विशेष परिस्थिति में ही प्लेटलेट्स चढ़ाने की जरूरत होती है, जो प्रदेश के कई रक्त केंद्रों में आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। आपको बता दें कि प्रदेश के सरकारी रक्त केंद्रों में प्लेटलेट्स RDP और अफेरेसिस SDP निःशुल्क मिल जाएंगे। हालांकि अन्य प्राइवेट अस्पतालों में इसके लिए आपको पैसे देने पड़ सकते हैं। प्लेटलेट्स रक्त और प्लाज्मा आदि के उपलब्धता की जानकारी ई रक्त कोष वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर भी मिल जाएंगे। इससे संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर 104 पर संपर्क कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप IPRD के X प्लेटफॉर्म पर भी विजिट कर सकते हैं।
बिहार के स्कूलों में अब एंटी चाइल्ड बुलिंग कमेटी बनेगी, जिसका उद्देश्य बच्चों को प्रताड़ना से बचाना है। आपने अक्सर कॉलेज में एंटी रैगिंग के बारे में सुना होगा, ठीक इसी तर्ज पर प्रदेश के स्कूलों में भी एंटी चाइल्ड बुलिंग कमेटी लागू होगी। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के मुताबिक 70% कसूर बुलिंग के शिकार होते हैं, जिसमें ग्रुप बनाकर किसी बच्चे को डांटना, धमकाना आदि शामिल है। इसी के मद्देनजर आयोग ने सभी स्कूलों के लिए दिशा निर्देश जारी किया है। ये कमेटी नैतिक मूल्यों को समझाएगी, बच्चों को उचित व्यवहार सिखाएगी और बुलिंग के मामले में सजा की जानकारी देगी। बुलिंग करने वाले बच्चों के लिए सजा के विकल्पों में सेक्शन बदलना, डांटना और अभिभावकों से शिकायत करना शामिल है। कमेटी में प्राचार्य, 2 वरीय शिक्षक और 2 अभिभावक होंगे। बच्चे को सजा देने से पहले उनके अभिभावक को इसकी जानकारी दी जाएगी। इस पहल से उम्मीद है कि बच्चे एक बेहतर माहौल में पढ़ाई कर सकेंगे। जब नया स्मार्टफोन खरीदते हैं तो उसमें डिस्प्ले लगाना जरूरी होता है। डिस्प्ले में OLED, AMOLED और POLED जैसी तकनीकों का ध्यान रखा जाता है। जब आप डिस्प्ले खरीदने गए होंगे तो अक्सर आपने ऐसे शब्द सुने होंगे कि आपको इसका मतलब पता है। अगर नहीं तो आपको बता दें कि OLED यानी ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड तकनीक है, जो इलेक्ट्रिक करंट से लाइट उत्पन्न करती है, जिसमें हर पिक्सल अपनी रोशनी देता है। वहीं AMOLED एक्टिव मैट्रिक्स OLED है, जो एक विशेष प्रकार की OLED होती है, जो पिक्सलों पर सटीक नियंत्रण देती है, बेहतर रिफ्रेश रेट और रंग प्रदर्शन प्रदान करती है। POLED यानी प्लास्टिक OLED है, जो प्लास्टिक सबस्ट्रेट्स का उपयोग करती है, जिससे डिस्प्ले पतला, हल्का और टिकाऊ होता है और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी से कर्व्ड या वियरेबल डिवाइस में उपयोगी बनाती है। हालांकि AMOLED पैनल्स आमतौर पर अधिक स्पष्ट होते हैं। बिहार शरीफ में 22 अक्टूबर को श्रम संसाधन विभाग की तरफ से एक दिवसीय रोजगार मेला का आयोजन हो रहा है। जॉब कैंप का आयोजन संयुक्त श्रम भवन ब्लॉक परिसर में सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक आयोजित होगा, जहां करीब 1500 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इस जॉब कैंप में 8वीं 10वीं से लेकर 12वीं और स्नातक पास युवा या PG, ITI, BTEC, MBA और PhD के उम्मीदवार भी भाग ले सकते हैं। रोजगार कैंप में भाग लेने से पहले उम्मीदवारों को NCS पोर्टल www.ncs.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। सितंबर में प्रदेश के कई जिलों में 2 बार आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई। गंगा, गंडक, कोसी और बागमती नदियों के जलस्तर में वृद्धि के कारण 12 जिलों के बाद 16 और जिले प्रभावित हुए। सरकार ने जिलों में हुए बाढ़ से नुकसान की रिपोर्ट मांगी है, जिसमें पुल, पुलिया, सड़कें, पानी सप्लाई और बिजली संरचना की जानकारी शामिल होगी। बाढ़ प्रभावित 18 जिलों में सामुदायिक रसोई और राहत सामग्री का वितरण अभी भी जारी है, जहां 20.22 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। NDRF और SDRF की टीमें तैनात हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए चिकित्सकों की नियुक्ति की गई है और बोट एम्बुलेंस के माध्यम से चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। बिहार के परिवहन विभाग ने राजधानी पटना समेत राज्य भर में नाबालिगों द्वारा ई रिक्शा और 3 पहिया वाहन चलाने पर कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विशेष अभियान चलाए जाएंगे, जिसमें बिना लाइसेंस और नाबालिग चालकों पर कार्रवाई की जाएगी। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी जिलों के परिवहन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे ऐसे चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। उन्होंने अभिभावकों से भी अपील की कि वे अपने बच्चों को वाहन चलाने की अनुमति ना दें, क्योंकि इससे घटनाओं का खतरा बढ़ता है। मोटर वाहन अधिनियम के तहत नाबालिग चालकों और उनके अभिभावकों पर जुर्माना और कारावास का प्रावधान है। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास विहीन या कच्चे घर में रहने वाले परिवारों को 1.20 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2019-20 से प्रशासनिक मद की राशि को 4% से घटाकर 1.7% कर दिया है, जिसके कारण संविदा कर्मियों के मानदेय में देरी हो रही थी। इस मामले को लेकर मंत्री ने कहा है कि ग्रामीण आवास सहायक पर्यवेक्षक और अन्य कर्मी आवासों की जांच और निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनका मानदेय समय पर मिलने से वे अपनी क्षमता से कार्य कर सकेंगे। इससे राज्य के गरीब परिवारों को पक्के मकान मिल सकेंगे और अपूर्ण आवासों के निर्माण प्रक्रिया में तेजी आएगी। सरकार का लक्ष्य सभी गरीबों को आवास सहायता प्रदान करना है।
प्रदेश में मॉनसून की पूरी तरह से विदाई हो चुकी है और शरद ऋतु का आगमन हो चुका है। सुबह और रात के समय हल्की ठंड का एहसास हो रहा। आज प्रदेश में अधिकतर जगहों पर मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की तरफ से मौसम को लेकर किसी तरह की चेतावनी नहीं है। प्रदेश में आज का अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री रहने की बात कही गई है। रोहतास जिले के डेहरी थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक नाबालिग लड़के को 53 एटीएम कार्ड के साथ पकड़ा है, जो जालसाजी में लिप्त था। घटना तब हुई जब औरंगाबाद के गुलाम हैदर ने डेहरी के एक्सिस बैंक के एटीएम में पैसे निकालने की कोशिश की। इस दौरान जालसाजों का एक समूह एटीएम के कैबिन में घुस आया और हैदर का एटीएम कार्ड बदलने लगा। शक होने पर हैदर ने शोर मचाया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस के पहुंचने से पहले 3 जालसाज फरार हो चुके थे, लेकिन एक को पकड़ लिया गया। एएसपी ने बताया कि ये एक अंतरराज्यीय गैंग है, जो लोगों को धोखा देकर उनके एटीएम कार्ड बदलता था। फरार अपराधियों की तलाश अभी जारी है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी सहित सभी विश्वविद्यालयों में कक्षा की रूटीन और छात्रों की उपस्थिति ऑनलाइन करने की तैयारी है। इसके लिए समर्थ पोर्टल विकसित किया गया है, जिसमें नोडल टीम का गठन किया गया। BRABU में प्रोफेसर राम कुमार इस पोर्टल के नोडल होंगे। पोर्टल पर छात्रों और शिक्षकों का पूरा विवरण अपलोड किया जाएगा, जिसमें ई गवर्नेंस को बढ़ावा मिलेगा। समर्थ पोर्टल में 40 मॉड्यूल हैं, लेकिन शुरुआती चरण में कुछ ही मॉड्यूल लागू किए जाएंगे। छात्रों को एक यूजर आईडी दी जाएगी, जिससे वे अपने आवेदन और RTI की स्थिति देख सकेंगे। शिक्षकों को भी ऑनलाइन छुट्टी के आवेदन करने और छुट्टियों की जानकारी प्राप्त करने की सुविधा होगी। इस व्यवस्था के शुरू होने से सभी को आसानी होगी। बिहार के श्रम संसाधन विभाग ने उन फील्ड ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्णय लिया है, जो मजदूरों को DM और CM के पास आवेदन देने के लिए भेजते हैं या उनके काम में देरी करते हैं। इस मामले को लेकर मंत्री संतोष सिंह ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ऐसी गड़बड़ियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे अधिकारी कितना भी बड़ा क्यों ना हो। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि मजदूरों का रजिस्ट्रेशन बढ़ाने का नया लक्ष्य 27 लाख से 40 लाख करना होगा। मंत्री ने कहा है कि जब मनरेगा के 90 लाख मजदूर हैं, तो हमारे यहाँ केवल 27 लाख लेबर क्यों। आगे श्रम संसाधन मंत्री संतोष ने कहा कि बिहार सरकार का प्रथम लक्ष्य श्रमिकों की सहायता करना है। विभाग देश का नंबर 1 विभाग बने, ये तब होगा जब क्षेत्रीय अधिकारी ईमानदारी से काम करेंगे और काम लटकाकर नहीं रखेंगे। ये निर्णय पटना के ऊर्जा सभागार में हुई एक समीक्षा बैठक में लिया गया है, जिसमें विभागीय सचिव और अन्य अधिकारियों ने भी भाग लिया था। बिहार के कला संस्कृति विभाग द्वारा आज पटना के होटल ताज में फिल्म कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बिहार से जुड़े कलाकार, फिल्म निर्माता और निर्देशक शामिल होंगे। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा की पहल पर आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य फिल्म प्रोत्साहन निधि को बढ़ावा देना है और बिहार में फिल्म शूटिंग को सरल बनाना है। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि ये कॉन्क्लेव फिल्म प्रोत्साहन राशि के बारे में जानकारी देने और निजी निवेश को आकर्षित करने का एक मंच है। साथ ही राज्य की क्षेत्रीय भाषाओं में उत्कृष्ट फिल्मों के निर्माण को बढ़ावा देने पर भी चर्चा होगी। कला संस्कृति विभाग इस क्षेत्र के विकास के लिए 4 करोड़ की सब्सिडी दे रहा है, जिससे बिहार के ऐतिहासिक स्थलों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल सके। राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति योजना के परीक्षा में सफल छात्रों के लिए आवेदन की अंतिम तारीख को बढ़ा दिया गया है। अब छात्र 31 अक्टूबर तक NSP पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। पहले यह तिथि 15 अक्टूबर थी, लेकिन 100% आवेदन नहीं होने के कारण आवेदन की अंतिम तारीख में विस्तार कर दिया गया। जिन विद्यालयों के छात्र परीक्षा में सफल हुए लेकिन विद्यालय का पंजीकरण NCP पोर्टल पर नहीं हुआ है, उन्हें भी 31 अक्टूबर तक पंजीकरण कराना होगा। इसके साथ ही जयप्रकाश विश्वविद्यालय के अंतर्गत छपरा, सिवान और गोपालगंज में हेल्प डेस्क खोले गए हैं, जहां कंप्यूटर ऑपरेटर और नोडल शिक्षक तैनात हैं। इससे छात्रों को ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने में आसानी होगी और साइबर कैफे का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। न्यूजीलैंड ने पहले टेस्ट मैच का दूसरा दिन अपने नाम कर लिया है। इस मुकाबले में भारत को न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 46 रन पर ऑल आउट कर दिया, जिस साथ ही दिन का खेल खत्म होने पर 3 विकेट पर 180 रन बनाने में सफल रहे, जिससे टीम को 134 रन की बढ़त मिली। आपको बता दें कि न्यूजीलैंड की तरफ से डेवॉन कॉनवे ने 91 रन बनाए, वहीं विल यंग ने 33 और टॉम लैथम ने 15 रन बनाकर ऑल आउट हुए। भारतीय टीम में रविंद्र जडेजा, आर अश्विन और कुलदीप यादव को 1-1 विकेट मिला। ये 3 मैचों की टेस्ट सीरीज है, लेकिन पहले मुकाबले का
पहला दिन बारिश की वजह से रद्द हो गया था और दूसरे दिन भारतीय टीम 46 रन पर ऑल आउट हो गई। मौजूदा हालात को देखते हुए आपके मुताबिक कौन सी टीम टेस्ट मैच में अपने नाम कर सकती है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1972 में पहले बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर SA-315 का बैंगलोर में परीक्षण हुआ था। आज के दिन वर्ष 1980 में पहली हिमालय कार रैली को बंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। आज के दिन वर्ष 1998 में भारत और पाकिस्तान आणविक खतरे रोकने के लिए सहमत हुए थे। आज के दिन वर्ष 1950 में हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता ओम पुरी का जन्म हुआ था। आज के दिन वर्ष 1996 में रामकृष्ण खत्री दुनिया को अलविदा कह गए थे। ये भारत के प्रमुख क्रांतिकारियों में से एक थे। यदि आपने भी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट परीक्षा के लिए फॉर्म भरा है तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल 21 अक्टूबर से एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन करने की प्रक्रिया शुरू होगी। आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को यदि फॉर्म में कोई करेक्शन करवाना है तो वे 25 अक्टूबर तक करवा सकते हैं। इसके लिए आपको seated.nic.in पर जाना होगा। 16 आपको बता दें कि 16 अक्टूबर आवेदन करने की अंतिम तारीख थी। इस परीक्षा का आयोजन 14 दिसंबर को होने वाला है। हालांकि जिन शहरों में अधिक परीक्षार्थी होंगे तो परीक्षा का आयोजन 15 दिसंबर भी हो सकता है। एग्जाम की सिटी छोड़कर आप आवेदन में नाम, माता पिता के नाम, कैटेगरी दिव्यांगता कैटेगरी, चुना गया पेपर, पेपर टू का विषय, पता आदि में सुधार कर सकते हैं। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसका जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, हाल ही में केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ते यानी DA में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? ऑप्शन ए है 2%, ऑप्शन बी है 3%, ऑप्शन सी है 4%, ऑप्शन डी है 5%। इसका सही उत्तर है 3%। हाल ही में जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है उमर अब्दुल्ला, ऑप्शन बी है मनोज सिन्हा, ऑप्शन सी है सुरेंद्र कुमार चौधरी, ऑप्शन डी है फारूक अब्दुल्ला। इसका सही उत्तर है सुरेंद्र कुमार चौधरी। हाल ही में विशाखापत्तनम में NSTI के विस्तार केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन ए है राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी है पीयूष गोयल, ऑप्शन सी है चिराग पासवान, ऑप्शन डी है जयंत चौधरी। इसका सही उत्तर है जयंत चौधरी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके किस जेल में भेजा गया था? ऑप्शन है कैंप जेल, ऑप्शन बी है हजारीबाग जेल, ऑप्शन सी है भागलपुर जेल, ऑप्शन डी है बांकीपुर जेल। इसका सही उत्तर है बांकीपुर जेल। पटना स्थित शहीद स्मारक का औपचारिक अनावरण कब हुआ था? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1954, ऑप्शन डी है 1956। इसका सही उत्तर 1956। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है मोहम्मद साकिर हुसैन, छोटू राजा, राम बाबू दास, अबुलाइस खान, अती खान, चंद्रेश्वर मांझी, मोहम्मद तनवीर आलम, नंद कुमार सिंह, मोतीलाल कुमार, मुन्ना प्रसाद, प्रिंस कुमार, सोनू कुमार, रिंकी कुमारी, रवि मोहन वर्मा, नाथ साजन, नीतीश कुमार, रवि कुमार राम, संजीव कुमार शर्मा, राजा हरि, नंदनी, विनय कुमार, रामनवमी मांझी, अंशु कुमारी, राम सागर पासवान, कृष्णा प्रसाद, संजीव कुमार, सोहन अली खान। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आप कौन सा स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।